नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट से मिस्टर वीर सिंह, उनके एक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आपको हम। बहुत मजेदार चीज है। बेसिक उनके पास एक डेटा आया हुआ है जिसमें बिगेन टाइम और एंड टाइम है। तो आप बिगेन टाइम में देख सकते हैं कि इसमें ट्यूजडे, अक्टूबर, डेट, टाइम, टाइम का जोन प्लस 5:30 एंड 2019 डाला हुआ है, जो कि डेट फॉर्मेट नहीं है। अब मुझे इसको पहले डेट फॉर्मेट में बनाना है और फिर इसको हमें माइनस करके इसका टाइम निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे 2019 खत्म होते ही, मैंने कि जनवरी 2020 तक मिसिंग, मैं इसमें 5000 से ऊपर वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। तो आपके पास नया 5000 नए टॉपिक्स होंगे वीडियो की, सो प्लीज मिस मत कीजिए, जल्दी जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपका कोई चांस मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्यूजडे अक्टूबर 15 और टाइम दिया हुआ है, और 2019 बाद में दिया हुआ है, प्लस 5:30 पहले दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे प्लस 5:30, ताकि टाइम वगैरह इस तरह से आ जाए, इसे ब्लैंक से। प्लस 0:30 है यहाँ पे। अब मुझे जो 2019 है, इस 2019 को अलग करके 15 के बाद जो डेट है, उस डेट के बाद शिफ्ट करना है। ईयर हमारा फिक्स है, 2019 है, इसमें ये करना है हमें, इसको शिफ्ट करना है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अक्टूबर 2015 और टाइम शिप उठाता हूं मिड फॉर्मूले से। हमने बोला कि मिड सेलेक्ट किया, तो मुझे चौथे पांचवें नंबर से लेना है। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या, तो हमने बोला कि लेन, इसमें से कंप्लीट लेन में से माइनस होना चाहिए 5 और 4, 9, 10 करेक्टर। और अक्टूबर हमारा अक्टूबर 15 टाइम। अब क्या है, अगर मैं इसमें डेट वैल्यू करता हूं तो डेट वैल्यू से इसकी डेट इसमें आ जाएगी। जी हाँ, डेट आ गई, और इसमें मैंने प्लस कर दिया टाइम वैल्यू, तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इस सेम ईयर का होना चाहिए, अगर डिफरेंट ईयर का हुआ तो दिक्कत होगा, तो सेम ईयर का होना चाहिए। अगर डिफरेंट ईयर का है तो फिर मुझे यहां पे इसके आगे मुझे यहां से राइट का फॉर्मा लगाना होगा, और इसमें से 4 करेक्टर अलग करके मुझे इसके साथ कंबाइन करना होगा। दिक्कत हो गया, इसको कॉपी करते हैं
कॉपी करके इस पे पेस्ट करते हैं, तरीका और देखता हूं मैं। यहाँ डेटा में टेक्स्ट टू कॉलन होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ मैं कर देता हूँ वाई एम डी। यहाँ पे अलग हो गया तो आप कर ही सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ, चलिए मैं इसमें ईयर हटा देता हूँ, ईयर का हम कोई और व्यवस्था कर लेंगे। अब मैं इसकी फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला यहाँ जहाँ हमारा B2 है वहां पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ जहाँ B2 है वहां पे पेस्ट करता हूँ, और नीचे की तरफ आप डिलीट कर देते, कोई हर्ज नहीं होगा। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं और यहां जहां पे C2 है वहां पे पेस्ट करता। ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इससे पहले मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, तो साथी के सामने सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये किसी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं कॉपी करता हूं और इस पे भी इसको पेस्ट कर देता हूं, और फिर मैं इसको लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए इसको टाइम फॉर्मेट में, तो मैं इसका टाइम में जाता हूँ और इसमें आप यहाँ पे इंग्लिश यूएसए सिलेक्ट करना होगा, और 37:55 को ये हमारे पास डिफरेंस निकल गया इन द मिनट इन द टाइम। मैच करना चाहो तो मैच कर सकते हो कि अक्टूबर 14, 24 को यहाँ पे आपको 11:13 पे इन हुआ है और 11:54 पे आउट हुआ है, 41 मिनट 32 सेकेंड इन्होंने काम किया है तो निकल गया। तो थोड़ा सा लेंदी पड़ा क्योंकि डेटा इस तरह से था कि हमें थोड़ा सा इसका इसमें से डेट को अलग करने में टाइम लगा। जी हाँ, डेट को अलग करने में टाइम लगा। या फिर एक तरीका और भी हो सकता था सिंपल, कि मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहां पे हम बात करते हैं टेक्स्ट टू कॉलन की। तो टेक्स्ट टू कॉलन में हम जाएंगे और यहां पे नेक्स्ट, और इसको हम स्पेस के बिहाफ पे हर सेल को अलग अलग कर देंगे। हर सेल हमारा स्पेस के बिहाफ पे अलग हो गया। अब मैं ट्यूजडे को हटा दूंगा, +5:30 को हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक डेट बनाऊंगा इस तरह से, 15 यहाँ पे &-अक्टूबर और &-, और ये हमारा डेट हो गया। बट डेट इज नॉट अ डेट फॉर्मेट, तो डेट फॉर्मेट के लिए मैं इस पे +0 कर देता हूँ, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। सिंपल सा +0 कर दिया, और फिर इसमें मैं प्लस करूंगा इसका, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में हो जाएगा। अभी डेट एंड टाइम फॉर्मेट में नहीं है तो आप इसको यहां से डेट आ गया, टाइम भी इसके अंदर में है, तो डेट एंड टाइम दोनों फॉर्मेट ले सकते हैं इसे। तो इस तरह से स्प्लिट करके भी किया जा सकता है। जब ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा तो सिंपली आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको मेरे साथ एडवांस एक्सेल वीवी माइक्रो एमएस एक्सेल टाइप के साथ कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन सीखना हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। एक दो क्लास आप डेमो लेके देखिए, ठीक लगा तो फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए।